यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली रहा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने विंडोज़ में स्लाइड टू शटडाउन का ऑप्शन कैसे ऐड करेंगे। एग्जांपल के लिए देखिए, अगर आप सिस्टम को शटडाउन करते हैं तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, देन यहाँ से सिस्टम को शटडाउन करते हैं। फर्स्ट मेथड ये आप यूज़ करते हैं, अदरवाइज आप यूज़ कर सकते हैं ऑल्ट F4। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक नया मेथड बताऊँगा जिसकी हेल्प से जस्ट आप पर्टिकुलर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ये देखिए ऑप्शन है, इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आया स्लाइड टू शटडाउन। अगर इसको मैं बिल्कुल बॉटम पे ले गया तो सिस्टम मेरा शटडाउन हो जाएगा। लेकिन ये हम ऑप्शन ऐड कैसे करेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं पहले इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो आप सबसे पहले अपने माई कंप्यूटर में जाएंगे, दिस PC में जाएंगे, देन उसके बाद जाएंगे सी ड्राइव में। सी ड्राइव में जाने के बाद आप यहाँ से विंडोज़ फोल्डर सर्च करेंगे। मैंने W प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए विंडोज़ फोल्डर आ रहा है, इसको डबल क्लिक करिए। इसमें आप सर्च करेंगे सिस्टम 32, तो मैंने यहाँ पर प्रेस किया तो यहाँ पर देखिए नीचे सिस्टम 32 आ रहा है, इसको क्लिक कर दीजिए। और यहाँ आप सर्च करेंगे स्लाइड, जब मैंने स्लाइड पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए स्लाइड टू शट डाउन यहाँ पर सर्च हो गया। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इसको मैं डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दूँगा। नाउ अब देखिए, जब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आ रहा है स्लाइड टू शट डाउन। तो ऐसे आप इस ऑप्शन को ऐड कर सकते हैं। अगर ये आपको मेथड डिफिकल्ट लगता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने किसका पर्टिकुलर कोड क्रिएट कर रखा है तो आप इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, परसेंटेज WinDIR से लेकर .exe तक इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। इसको मैं फिलहाल यहाँ से मिनिमाइज़ कर देता हूँ। उसके बाद स्क्रीन पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे और यहाँ से शॉर्टकट में जाएंगे। शॉर्टकट में जाने के बाद यहाँ पर जो आपने वहाँ से कॉपी किया है टेक्स्ट यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर लीजिए, नेक्स्ट करिए। अगर आप यहाँ से इसका नाम वगैरह चेंज करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज सेम भी रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिनिश कर दीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए आइकन आ गया है। अगर आप इसका आइकन वगैरह चेंज करना चाहते हैं राइट क्लिक करिए, देन प्रॉपर्टीज़ में जाइए, यहाँ से आप चेंज आइकन कर सकते हैं, ओके कर दीजिए। यहाँ से मैं ये आइकन चूज़ कर लिया, ओके कर दिया और इसको मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सेम ऑप्शन आ रहा है स्लाइड टू शट डाउन योर PC। तो ऐसे आप ये ऐड कर सकते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज़ 8 से लेकर विंडोज़ 10 के बीच में आप इसको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे गॉड मोड। गॉड मोड क्या है, देखिए अगर मेनली आपने कंप्यूटर की सेटिंग ओपन करनी हो तो आप क्या करते हैं, स्टार्ट में जाकर कंट्रोल पैनल में जाते हैं और यहाँ पर देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेटिंग्स अवेलेबल है। अदरवाइज आप कीबोर्ड से विंडो और R की प्रेस करके भी यहाँ पर कंट्रोल फिल करेंगे, देन ओके कर देंगे, देन आप यहाँ से कंट्रोल पैनल में चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सारी डिफरेंट सेटिंग्स है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी कमांड यूज़ करूँ जिसकी हेल्प से एक ही जगह पर यह सारी सेटिंग्स मुझे मिल जाएं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गॉड मोड का। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए पहले से क्रिएट किया, आपको शो कर देता हूँ। ये देखिए इसमें सारी सेटिंग्स अवेलेबल है, हेडिंग आप देख सकते हैं यहाँ से, ऐसे फॉन्ट्स की है, फाइल हिस्ट्री है, इंटरनेट ऑप्शंस हैं, देन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर है, कीबोर्ड है, माउस की, सभी अलग अलग है। लेकिन ये क्रिएट करने मैंने कैसे किए देखते हैं। इसको मैं फिलहाल पहले डिलीट कर देता हूँ, ये मैंने जस्ट आपको शो करने के लिए पहले इसको क्रिएट किया था। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये टेक्स्ट पूरा कॉपी कर लेंगे जो यहाँ पर मैंने लिखा है, इसको कॉपी कर लीजिए। यू कैन ऑल्सो यूज़ Ctrl+C टू कॉपी द टेक्स्ट, यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर लीजिए। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, यहाँ से फोल्डर पर क्लिक करेंगे। फोल्डर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कर देंगे पेस्ट Ctrl+V, देन ओके कर देंगे। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, फिर से करते हैं, यहाँ तक आप करेंगे, यहाँ से लेकर मैंने फिलहाल पूरा कर दिया। ये फर्स्ट तो हेडिंग है वो नहीं करेंगे, इसको कॉपी कर लीजिए। फिर यहाँ से फोल्डर को रीनेम करिए F2 से, यहाँ राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं, यहाँ से इसको पेस्ट कर दीजिए और ओके कर दीजिए। ये देखिए ये आइकन चेंज हो गया, डैट मीन्स आपका जो आपने पर्टिकुलर वहाँ से कमांड अप्लाई किया वो यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो ये देखिए जब इसको ओपन करेंगे यहाँ पर डिफरेंट हेडिंग्स है, उसके अकॉर्डिंग कलर मैनेजमेंट एंड डेट एंड टाइम की सेटिंग वगैरह आप यहाँ से करना चाहिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ डिफरेंट सेटिंग्स ओपन हो रही है। ऐड ब्लूटूथ की सेटिंग ओपन करना चाहिए यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। सो मैनी सेटिंग्स है, आप कहीं पर भी जाना चाहें विद द हेल्प ऑफ दिस गॉड मोड आप यहाँ आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये प्रोसेस करके देखिए, जिसमें मैंने आपको दो कमांड्स के बारे में बताया। फर्स्ट वन हमने किया स्लाइड टू शट डाउन विद द हेल्प ऑफ टू डिफरेंट ऑप्शंस, और दूसरा हमने किया गॉड मोड। इसको करने में आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ के साथ हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सो डैट और भी आप जैसे फ्रेंड्स आपके और भी नीडी यूज़र्स
इस पर्टिकुलर टिप्स और ट्रिक का यूज करके अपने वर्क को इजी कर सकें। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग अवर वीडियो।